फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि शेड्यूल्ड टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम शेड्यूल्ड टू को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वर्ड शेड्यूल्ड टू का इस्तेमाल हम समय बताने के लिए करते हैं, यानी वक्त बताने के लिए करते हैं। जैसे अगर लिखा हो जहाज को 4 बजे रवाना होने का समय है या वक्त है, तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे द प्लेन इज शेड्यूल्ड टू लीव एट 4 o'clock। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल्ड टू का मतलब है कि किसी चीज का वक्त है या समय है। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदा और वह प्रोडक्ट टाइम से 2-3 दिन लेट पहुंचा। तो इस कंडीशन में आप कहते हैं इस मोबाइल को पाने का वक्त परसों था, यानी यह मोबाइल परसों मिल जाना चाहिए था। इस सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें तो आप कहेंगे दिस मोबाइल वॉज शेड्यूल्ड टू डिलीवर द डे बिफोर यस्टरडे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वॉज शेड्यूल्ड टू का मतलब ये हुआ कि वक्त था या समय था या एक सर्टेन टाइम था। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो द प्रोग्राम इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 4 o'clock, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि प्रोग्राम शुरू होने का वक्त 4 बजे है या 4 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, यानी इस प्रोग्राम का जो वक्त है, जो टाइम है, वो 4 बजे है। मीटिंग का वक्त 2 बजे है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट 2 o'clock। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर 2 sentences कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? 2 sentences कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।